भिलाई से एक बड़ी खबर है। चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। आईसीयू में भर्ती मरीज के मुंह में चींटियों का गुच्छा दिखा है। मरीज को देखते ही परिजनों के होश उड़ गए। मरीज के बेटे ने स्वास्थ्य मंत्री से उसकी शिकायत की है। शिकायत पर जिला अस्पताल से जांच की टीम यहां पर पहुंची हुई है। ये बड़ी खबर है और बड़ी लापरवाही, चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आईसीयू में भर्ती मरीज के मुंह में चींटियों का गुच्छा दिखा है और मरीज को देखते ही परिजनों के होश उड़ गए। मरीज के बेटे ने स्वास्थ्य मंत्री से इसकी शिकायत की और शिकायत पर जिला अस्पताल से जांच टीम पहुंची है। आईसीयू में भर्ती मरीज रामा साहू के पुत्र हेमंत साहू हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे क्या हुआ था, दरअसल क्या हुआ था और किस तरह से शिकायत आपने की है। उनको पहले तो यहाँ पे लाया गया था तो सांस लेने में प्रॉब्लम थी। रविवार को यहाँ पे 11:30 बजे 12 बजे करीब लाए थे। तो उसके बाद 2 घंटे यहाँ कैजुअल्टी में इलाज चला। उसके बाद यहाँ आईसीयू में रिफ़र किए, सांस लेने में तकलीफ है बहुत ज़्यादा करके, फिर वेंटिलेटर लगा दिए। वेंटिलेटर के बाद अभी 2-3 दिन हो गया, थोड़ा सा हालत ठीक थी लेकिन अभी 2 दिन से और हालत बिगड़ती जा रही है। देखिए, आज आप लोगों को कैसे मालूम चला कि उनके मुंह में काफ़ी सारी चींटियां चल रही है, चींटियों का गुच्छा है? जी, आईसीयू वार्ड में हमेशा जाने नहीं देते, 24 घंटे में एक बार 5 से 6 बजे यहाँ मिलने का समय है। तो जब नाम बुलाया गया मिलने के लिए तो हम लोग अंदर गए तो देखे कि बाबूजी के मुंह में पूरा चींटियां लगी हुई थी। तो हमने वहाँ के स्टाफ को बताया तो फिर वो जाके उनको हटाने लगे जल्दी। देखिए किस तरह की लापरवाही मानते हैं और अब आप क्या चाहते हो इस पूरे मामले में? जी, लापरवाही तो बहुत बड़ी है लेकिन अब यही चाहते हैं कि ऐसा दोबारा किसी दूसरे मरीज के साथ ना हो और इलाज बढ़िया से हो, किसी प्रकार की और ये सब गलती नहीं होना चाहिए। तो देखिए किस तरह से इनके पुत्र का कहना है कि इस तरह की गलतियां जो हैं वो दोबारा ना हो और उनके पिता जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। IBC 24 भी यही कामना करता है कि उनके पिता जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वापस अपने घर लौट जाए। IBC 24 के लिए भिलाई से अनुभूति भाकरे ठाकुर। एक दरी फिर विवाद मां घिर आगे हवाए, ये बेरा विवाद के कारण बने हवाए मरीज के ऊपर रेंगत चीटी मनहा। जिंदगी और मौत ले जूझत यहाँ के आईसीयू में भर्ती मरीज के ऊपर चीटी मन के झुंड हा अटैक करत दिखाई दी सेवाए। और ये कर बाद प्रशासन हा जांच के टीम जो हवा वो रात 12 बजे पहुंचे सब मामला के जांच करीस। ऐसे में ये घटना हा पूरा अस्पताल प्रबंधन पर जो हवा सवाल खड़ा करत है और लापरवाही के पोल ला खोले हवाए। आईसीयू में भर्ती मरीज रामा साहू के पुत्र हेमंत साहू हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे क्या हुआ था, दरअसल क्या हुआ था और किस तरह से शिकायत आपने की है। उनको पहले तो यहाँ पे लाया गया था तो सांस लेने में प्रॉब्लम थी। रविवार को यहाँ पे 11:30 बजे 12 बजे करीब लाए थे। तो उसके बाद 2 घंटे यहाँ कैजुअल्टी में इलाज चला। उसके बाद यहाँ आईसीयू में रिफ़र किए, सांस लेने में तकलीफ है बहुत ज़्यादा करके, फिर वेंटिलेटर लगा दिए। वेंटिलेटर के बाद अभी 2-3 दिन हो गया, थोड़ा सा हालत ठीक थी लेकिन अभी 2 दिन से और हालत बिगड़ती जा रही है। देखिए आज आप लोगों को कैसे मालूम चला कि उनके मुंह में काफ़ी सारी चींटियां चल रही है, चींटियों का गुच्छा है? जी, आईसीयू वार्ड में हमेशा जाने नहीं देते, 24 घंटे में एक बार 5 से 6 बजे यहाँ मिलने का समय है। तो जब नाम बुलाया गया मिलने के लिए तो हम लोग अंदर गए तो देखे कि बाबूजी के मुंह में पूरा चींटियां लगी हुई थी। तो हमने वहाँ के स्टाफ को बताया तो फिर वो जाके उनको हटाने लगे जल्दी। देखिए किस तरह की लापरवाही मानते हैं और अब आप क्या चाहते हो इस पूरे मामले में? जी, लापरवाही तो बहुत बड़ी है लेकिन अब यही चाहते हैं कि ऐसा दोबारा किसी दूसरे मरीज के साथ ना हो और इलाज बढ़िया से हो, किसी प्रकार की और ये सब गलती नहीं होना चाहिए। तो देखिए किस तरह से इनके पुत्र का कहना है कि इस तरह की गलतियां जो हैं वो दोबारा ना हो और उनके पिता जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। IBC 24 भी यही कामना करता है कि उनके पिता जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वापस अपने घर लौट जाए। IBC 24 के लिए भिलाई से अनुभूति भाकरे ठाकुर।
अस्पताल जो है वो एक बार फिर से विवादों में है। यहां के आईसीयू में भर्ती एक गंभीर मरीज के मुंह पर चींटियों को चलता हुआ पाया गया, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा मचा दिया। सूचना मिलने पर जिला प्रशासन की टीम देर रात अस्पताल पहुंची और जांच शुरू की। इस सनसनीखेज मामले ने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल दुर्ग निवासी रामा साहू को सांस की समस्या के चलते अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया था। कल जब मरीज का बेटा उनसे मिलने पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता के मुंह के पास में चींटियों का झुंड है और कोई देखने वाला भी नहीं है। मामले की शिकायत पर नर्स ने जवाब दिया कि बारिश के कारण ये चींटियों का आ जाना आम बात है। फिर परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया अस्पताल में। मंत्री और कलेक्टर से शिकायत के बाद प्रशासन की टीम देर रात जांच के लिए अस्पताल पहुंच गई। प्रशासन ने जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। आईसीयू में भर्ती मरीज रामा साहू के पुत्र हेमंत साहू हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे क्या हुआ था, दरअसल क्या हुआ था और किस तरह से शिकायत आपने की है। उनको पहले तो यहाँ पे लाया गया था तो सांस लेने में प्रॉब्लम थी। रविवार को यहाँ पे 11:30 बजे 12 बजे करीब लाए थे, तो उसके बाद 2 घंटे यहाँ कैजुअल्टी में इलाज चला। उसके बाद यहाँ आईसीयू में रिफ़र किए, सांस लेने में तकलीफ है बहुत ज़्यादा करके, फिर वेंटिलेटर लगा दिए। वेंटिलेटर के बाद अभी 2-3 दिन हो गया, थोड़ा सा हालत ठीक थी लेकिन अभी 2 दिन से और हालत बिगड़ती जा रही है। देखिए आज आप लोगों को कैसे मालूम चला कि उनके मुंह में काफी सारी चींटियां चल रही है, चींटियों का गुच्छा है? जी आईसीयू वार्ड में हमेशा जाने नहीं देते, 24 घंटे में एक बार 5 से 6 बजे यहाँ मिलने का समय है। तो जब नाम बुलाया गया मिलने के लिए तो हम लोग अंदर गए तो देखे कि बाबूजी के मुंह में पूरा चींटियां लगी हुई थी। तो हमने वहाँ के स्टाफ को बताया तो फिर वो जाके उनको हटाने लगे जल्दी जल्दी। देखिए किस तरह की लापरवाही मानते हैं और अब आप क्या चाहते हो इस पूरे मामले में? जी लापरवाही तो बहुत बड़ी है लेकिन अब यही चाहते हैं कि ऐसा दोबारा किसी दूसरे मरीज के साथ ना हो और इलाज बढ़िया से हो, किसी प्रकार की और ये सब गलती नहीं होना चाहिए। तो देखिए किस तरह से इनके पुत्र का कहना है कि इस तरह की गलतियां जो हैं वो दोबारा ना हो और उनके पिता जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। IBC 24 भी यही कामना करता है कि उनके पिता जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वापस अपने घर लौट जाएं। IBC 24 के लिए भिलाई से अनुभूति भाकरे ठाकुर।